सबसे बढ़िया बात मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है, इसका ग्लव बॉक्स। भाई ग्लव बॉक्स देखो तुम, देख रहे हो इतना मेरा बुरा हाल आ गया इसके अंदर, इतनी जगह है ना इसके अंदर। तेरी बे, ओ भाई भाई ये तो रॉकेट है भाई। ओहो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉन टीवी। एंड आज हम आ रहे हैं टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट, आज करेंगे पूरा वॉक अराउंड वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इस गाड़ी की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन दे देता हूं कि ये गाड़ी जो है नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2024 एंड इसका जो वेरिएंट है ये है क्रिएटिव प्लस। एंड इसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन आता है जो कि 1100 cc का इंजन है। एंड जो पावर जनरेट करता है ये रहता है 1800 bhp की पावर जनरेट करता है। एंड कंपनी जो उसका माइलेज क्लेम करती है वो करती है 17.28। एंड ये गाड़ी का जो प्राइस आपको पूरा पूरा पड़ेगा ये पड़ेगा 14 लाख रुपए का, ऑन रोड सारी सब कुछ एक्सेसरीज मिला मिला के पूरा आपको जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 14 लाख रुपए का। एंड अब हम चलते हैं गाड़ी के वॉकआउट वीडियो पे। सो फ्रंट में यहाँ पे हमको नॉर्मल डीआरएल दी गई है, ठीक है, एंड वेरियंट के अंदर फॉग लैम्प्स नहीं आते हैं, तो ये भाई ने बाहर से लगवाया है। बाकी ओवरऑल लुक इसका कुछ इस तरीके से आता है। साइड से हम बात करें तो कुछ इस तरीके से ये साइड से इसका ऐसा लुक है। एंड तो आज इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है इस वेरिएंट के अंदर आपके पास 16 इंच के अलावा आते हैं। इसके अंदर फाइबर फाइबर पूरा मिक्स वाली है ये, मतलब ये पूरी फाइबर की बनी हुई है। एंड ये एक अलॉय है, मतलब दिखने में ये व्हील का लग रहा है बट ये वाइट से लुक ऐसा है। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पॉइलर सा दे रखा है, मतलब लाइक थोड़ा सा उठा हुआ है। एंड इधर ये शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर दे रखा होगा। और बैक लुक इसका कुछ इस तरीके से है। इस वेरिएंट के अंदर ये जो पूरी टेल लाइट है ये पूरी कनेक्टेड है, मतलब पूरी ये कनेक्ट होती है। एंड बोलो डिक्की खोलियो, ठीक है, यहाँ पे इसका बटन है। एंड 382 मीटर की इसकी बूट स्पेस है, ठीक है, मतलब पहले वाले नेक्सॉन से आई थिंक कुछ 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 गुना इन्होंने बढ़ा दी है। एंड काफ़ी मतलब स्पेस है यार, लिटरली काफ़ी स्पेस आ सकता है। ये हटा के ना काफ़ी समय आ जाएगा इसके अंदर भी। ये आपको यहाँ पे लाइट्स मिल जाएंगी, आपको यहाँ पे आपको रखने का हैंगर, 4 आपको हैंगिंग स्पॉट दे रखे हैं यहाँ पर। भाई यहाँ पे किसी को कुछ रखना हो, शराब की बोतलें बोतलें। ये आपका है कैमरा, 360 कैमरा आपको इसमें मिलता है इधर गिरा है ना। सो अब हम इसको करते हैं अनलॉक। सो अनलॉक करने में इसका ये पूरा खुलता है, मतलब ये लॉक अनलॉक करने में इसका जो साइड इंडिकेटर है पूरा खुल जाता है ऐसे। एंड लॉक करने में अपना भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। चलिए अब अंदर आते हैं। इस तरीके से इसका पूरा इंटीरियर है। एंड यहाँ पे वाइट और ग्रे हल्की सी इसकी फिनिशिंग दे रखी है, मतलब और यहाँ पे पूरा क्रोम क्रोम गार्निश है। एंड यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा मतलब टेक्स्चर अलग सा दे रखा है। सो अब हम अंदर आ चुके हैं इसके। एंड इसका जो टच एंड फील एंड फिनिश है पूरा बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, मतलब कसम देख रहा हूँ टाटा ने क्या गाड़ी बनाई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो हल्का हल्का इसका धाक का जो टेक्सचर है बहुत ही प्यारा है, मतलब थोड़ा कार्बन फाइबर टाइप दे रखा है। एंड ये वाला ग्रेइश का पूरी इसकी लाइन है, यहाँ पे हल्की सी वाइट है, ये थोड़ा गंदा हो चुका है। एंड बाकी ओवरऑल ये सीट कवर्स आई थिंक भाई ने आफ्टर मार्केट लगाए हुए हैं। एंड सबसे सबसे बढ़िया बात मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है, इसका ग्लव बॉक्स। भाई ग्लव बॉक्स देखो तुम, देख रहे हो इतना मेरा बुरा हाल आ गया इसके अंदर, इतनी जगह है ना इसके अंदर कि मतलब यहाँ पे पीने वाने वालों के लिए बढ़िया है। और ये शेयर बना हुआ है, ठीक है, शेयर बना हुआ है यहाँ पर, मतलब ये बनाया नहीं है टाटा वालों ने ही दिया है पूरा बना के। लिटरली ग्लव बॉक्स देखे तो मुझे बहुत ही मजा आ गया देखकर, इतना बड़ा ग्लव बॉक्स है ना, मतलब आप इसे कुछ भी डाल सकते हो, मतलब कुछ भी एक सामान आ जाएगा पूरा इसके अंदर, इतना बड़ा ग्लव बॉक्स है। बाकी बैक साइड से इसका यहाँ पे आपको एक ये दे रखा है, लाइटिंग दे रखी है पूरी की पूरी, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, एक बॉटल आने के लिए पूरी जगह या देंगे ये, एक या दो 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 लीटर की, 1 लीटर की या 2 लीटर की बॉटल है ये पूरी आ गई है इसके अंदर। फिर इसका सेंटर कंसोल पूरा, ये आपका आपको इको इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और सिटी मोड में आपको दिखता है। ये गाड़ी मैनुअल है एंड यहाँ से आपको चलता है पता, मैं एक गाड़ी ऑन कर लेता हूँ। सो ये हुआ पैसे भाई इसके हैं, भाई देखो देख रहे हो ये इसके पैसे हैं भाई। एंड यहाँ पे
अब यहाँ से गाड़ी होती है, यहाँ से हमारा बूट ओपन होता है, ये लॉक एंड लॉक, ये है हमारा, ये है हमारा 360 डिग्री कैमरा, ये है आपका 3D पूरा। यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, सी ये दो बंदे खड़े हैं, और यहाँ पे पूरा ये साइड से आपको दिखेगा, दिखाएगा कि साइड मतलब फ्रंट के साइड और ये बैक की साइड, देखिए हो जा, हाँ ये है बैक के साइड। और कैमरा क्वालिटी लिटरली इसी काफ़ी बहुत सुंदर है, मतलब काफ़ी क्लियर है इसकी कैमरा क्वालिटी। एंड यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल सब कुछ मतलब मिल जाएगा, यहाँ पे फ्रंट और बैक सब कुछ मिल जाएगा, ऑफ एसी ऑफ एवरीथिंग आपको मिलेगा, और वो भी पूरा स्क्रीन टच में मिलेगा। अब ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको पैसेंजर एयरबैग का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे ये लाइट्स हैं, ये आपके मिरर हो गया, एंड यहाँ पे आपका ये मतलब छोटा मोटा कुछ पर्ची रखने के लिए है, यहाँ पे एयरबैग के ऑप्शंस, ठीक है। और ये इतना बड़ा डैशबोर्ड पूरा यहाँ से पूरा। एंड इस गाड़ी में सबसे बढ़िया मतलब नेक्सा में ये होता है कि हम जब ड्राइव करते हैं ना तो यहाँ से हम जब बैठे हुए हैं ड्राइव करते करते तो पूरा बोनट दिख रहा है हमें गाड़ी का, मतलब गाड़ी का पूरा बोनट दिख रहा है हमको, मतलब चल रहा पता है, सारे पिलर दिख रहे हैं, मतलब आगे दोनों पिलर दिख रहे हैं कि भाई हम ड्राइव करते टाइम ईजी हमको ये बहुत पड़ता है। यहाँ से आपने साइड मिरर्स को आप अपने कंट्रोल कर सकते हो, वहाँ का भी और यहाँ का भी। और ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, यहाँ पे कॉल उठाने का, ब्लूटूथ सब कुछ है, एवरीथिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड सबसे बढ़िया चीज़ तो ये मुझे इसकी बहुत सुंदर लग रही है भाई, कसम से कह रहा हूँ। मेंट का भी ऑप्शन आता है आपके पास, आपको नीचे करनी है, ऊपर करनी है, आगे पीछे, यहाँ पे आपको दे रखा है, मतलब इस वेरिएंट के अंदर, इस वेरिएंट में आपको यही मिलेगा हाइट ऊपर नीचे करने का। एंड स्टीयरिंग में इसका ऊपर नीचे और आगे पीछे होगा, इसमें टेलीस्कोपिक नहीं है इसमें कोई नहीं। सो भाई हम बैक सीट पर आ गए हैं, ठीक है, इसकी और एक बार लेग रूम देख लेते हैं कैसा है। तो भाई लेग रूम नहीं भाई, बहुत सही है भाई, मतलब एक हाथ का डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग सीट कर रखी थी, इसके बाद भी लेग रूम भी अच्छा है, सीट भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन भाई मतलब कंफर्टेबल है गाड़ी बहुत ज़्यादा, रियर ए सी वेंट्स, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा हम्प है उठा, ये हम्प है ना ये, हाँ ये हम्प उठा भाई, ये थोड़ा सा है, बाकी मैट्स वैट्स सब इसमें मिले हुए थे ना, कितने लगवाए हैं ये लगवाया तूने? अलग से एक्सेसरीज में आते हैं ना वो लिए थे। अच्छा वो अलग से आते, तो इसमें आते नहीं क्या वो मैटेड? एंड एक चीज मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर ना एक यहाँ पे एक अलग से सीट बेल्ट दे रखी है थर्ड पर्सन के लिए, यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए अलग से सीट दे रखी है। अब थोड़ा सा इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेते हैं, चलो। तो भाई अब हम लेंगे इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस। भाई एक बात तो है, चाहे कुछ ही बोल, हिंडा के अंदर ना भाई नॉइस नहीं है, इसमें नॉइस है भाई इतना, मतलब कोई भी गाड़ी ले ले टाटा की, सारी गाड़ी में नॉइस है भाई। स्प्लेंडर साले बढ़ाते नहीं है भाई, भाई है थोड़ा सा उठी दो गाड़ी पंच पे, तुम ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी भाई, गाड़ी तो लिटरली मतलब स्मूथ है, प्यारी है गाड़ी, नो डाउट, ठीक है, जिससे टाटा चलती है वैसी है, बट अभी स्पोर्ट्स मोड है इसके अंदर मेन, वो चलाएंगे वो उसके बाद बताएंगे। बट गाड़ी का जो मतलब चलाने का जो वो है ना एक्सपीरियंस, मतलब कि मेरा जो मतलब हम जब देख रहे हैं कार, हम हमारा जो बोनट है ये वाला, ठीक है, सारे दोनों के दोनों बोनट दिख रहे हैं गाड़ी में इजीली, एंड मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई हम चला रहे हैं कुछ हैवी गाड़ी है भाई। देखिए भाई सब प्यारी आ रही है बहुत भाई, सच में क्लियर तो बहुत है भाई ये। ओ भाई भाई तो ओ भाई भाई तो रॉकेट है भाई, वैसे आवाज दे रहा भाई खतरनाक। तू लगा तो फर 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 क्या साइलेंसर उचित करा के फर 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 करेगी अब। तो भाई ओ भाई साहब इसका बोनट इतना हैवी है ना, तो ये रहा भाई कुछ इस तरह के, इसका इंजन है टाटा का, नॉइस कम करने के लिए ये चीज़ लगा रखी है, पूरा ना क्वेश्चनिंग कर रखी है, देखो यहाँ पर भी है इधर, ये वाइट कलर का पूरा कपड़ा सा लगा रखा है उन्होंने नॉइस कम करने के लिए। तो भाई मैं ना इसके कुछ मतलब मुझे गलत चीज़ क्या लगी है इस गाड़ी की, कि इसमें ना मतलब इतने पैसे खर्च करने के बाद थोड़ी सी वाइब्रेशन है अभी भी, टाटा वाली गाड़ी के अंदर होती है वाइब्रेशन की दिक्कत, हमेशा ही होती है इस गाड़ी के अंदर, बाकी गाड़ी के अंदर और कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट है गाड़ी अपने सेगमेंट में, ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंग भी, हर एक चीज़ के अकॉर्डिंग भी गाड़ी बेस्ट है, लोहा
तो और प्यारा ही है। गाड़ी में फीचर्स इतने प्यारे दिए ना, मतलब ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। मतलब लग्जरी, अगर तुम्हें अगर लग्जरी फील करनी है ठीक है कम पैसों में, तो भाई ये गाड़ी बहुत सही है। ओवरऑल गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी है, एंड इतना सब कुछ देने के बाद हमको मतलब प्राइस सिर्फ 14 लाख रुपीज़, जो कि मतलब मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। एंड जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 200 से ऊपर है, मतलब 208 या 209 है, ऐसी कुछ है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है, व्हील बेस भी इसका काफ़ी अच्छा है, एंड जो इसकी स्टेबिलिटी है गाड़ी की वो भी काफ़ी अच्छी है। इसकी हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब रोड पे तो चिपक के चलती है गाड़ी, तो मेरे अकॉर्डिंग गाड़ी बहुत प्यारी है। एंड इसका जो इको मोड है, एंड जो इसका स्पोर्ट्स मोड है, एंड जो इसका स्पोर्ट्स मोड है वो भी बहुत प्यारा है। मतलब स्पोर्ट्स मोड में कोई भी लैग नहीं देखने को मिलता मुझे, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। एंड टाटा के इंजन के बारे में बहुत लोग बोलते हैं, बट इंजन वाइज भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा नॉइस करती है। अगर आपको गाड़ी, अगर आप एक गाड़ी परचेज करना चाहते हो जो कि जिसका व्हील बेस भी अच्छा है, जिसका जिसकी हाइट अच्छी है ठीक है, और जो कि थोड़ा सा प्राइस में भी अच्छी है, फीचर्स भी बहुत सारे हैं, एंड प्लस सेफ्टी एंड प्राइस में भी आपको, एंड आपको एक अच्छे प्राइस में गाड़ी चाहिए जिसकी, एंड अगर आपको एक अच्छे प्राइस में गाड़ी चाहिए जिसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा हो, इंजन अच्छा हो, एंड सेफ्टी वाइज बहुत अच्छी हो, एंड माइलेज भी थोड़ा सा सही देती हो, तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। एंड 14 लाख के अंदर ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तो मेरे लिए ये गाड़ी बहुत प्यारी है। थोड़ा सा इंजन नॉइस में आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट बाकी वो म्यूजिक ऑन करने के बाद वो इंजन नॉइस भी खत्म हो जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है। अभी हम इसका एक बहुत ही लॉन्ग ट्रिप करने वाले हैं, तो ये गाड़ी में हम जाएंगे, एंड इस गाड़ी का पूरा रिव्यू, मतलब माइलेज कितना दे रही है ठीक है, एंड कितना मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, कुछ कोई लैग तो नहीं है इतना लंबा हम ड्राइव करते हुए ला रहे हैं, तो पूरा एक्सपीरियंस हम डालेंगे। बस आपको एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना रॉन टीवी, मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने वाला हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।